स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गर्मी की तपिश के बाद हम सब इंतज़ार कर रहे थे बहुत ही बेसब्री से बरसात के मौसम का, और अब बरसात शुरू हो गई है और हम सब वर्षा की बूंदों का आनंद भी ले रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, चाय पकौड़ियों का आनंद भी ले रहे हैं। लेकिन मज़ा तो खूब आता है, लेकिन दूसरी तरफ सावधानियों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस मौसम में अगर हम रहन सहन हमारा सही नहीं हो, खान पान सही नहीं हो, तो बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो देखने में आती हैं। साफ़ सफाई की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस मौसम की अगर हम बात करते हैं। तो इस मौसम में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं जो आम तौर पर लोग इससे घिर जाते हैं। वो क्या हैं, किस कारण से होते हैं, क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसे हम उनको ठीक कर सकते हैं, हर उम्र में किस तरह का इसका प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं अपने आज के इस अंक में। आपको बता दें, आज विशेष तौर पर आप सबको जानकारियाँ प्रदान करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध छाती रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर निशित कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्कार सर। ये जो मौसम है, मज़ा तो बहुत आ रहा है गर्मी के बाद जब बूंदें पड़ती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी देखने में आती हैं, चाहे वो बच्चे हों, यंग हों और ख़ास करके बुज़ुर्ग हों। तो बहुत ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो अभी आपके पास किस तरह के लोग आ रहे हैं ज़्यादातर? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। बारिश में भी सावधानी बिल्कुल ही रखनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि अभी के समय में अगर मैं रोज़ जितने भी अपने पेशेंट्स को देखता हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सर्दी खांसी जुकाम ये सब होता रहता है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिन्हें बुखार की समस्या रहती है। तो ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि कुछ बीमारियां जो होती हैं वो बरसात के मौसम में बढ़ जाती हैं। जैसे जितने भी अगर आप देखेंगे कि मच्छरों की संख्या बरसात में ज़्यादा होती है, तो मच्छरों से होने वाली बीमारी जैसे कि डेंगू है, आपका मलेरिया है, ये सब फैलने का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता है जहाँ भी जल का जमाव होता है। दूसरी बात ये है कि चूँकि मौसम बदल रहा है, तो वैसे केसेस में वायरल इन्फेक्शन जैसे कि नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा होता है, कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू होता है, इसके भी काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं। कई बार लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी का जमाव रहता है, साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं, रोड पर अगर खाना खाते हैं तो उसमें टाइफॉइड जैसी बीमारी फैलने का भी खतरा रहता है। तो इन सारे बीमारियों से मतलब इस तरह की समस्याएं लोग आते हैं। तो ये तो कई सारे पॉइंट्स हुए, मच्छर से होने वाली बीमारियां अलग हुई, संक्रमण से होने वाली बीमारियां, दूषित पदार्थों से, दूषित भोजन से होने वाली, और ये जो मौसम जो चेंजेस ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, या फिर हमारा रहन सहन सही नहीं है, अभी भी एसी है, पंखा है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर होते हैं हम सभी, तो ये बहुत ज़्यादा खांसी की जो समस्या है सर, उसकी पहले हम चर्चा करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी लोगों को पकड़ रहा है और देखने में आ रहा है, और ये भी देखने में आ रहा है कि लंबे समय तक ये ठहर रहा है। तो इसके बारे में सर थोड़ी सी आपसे देखिए, इसका दो रूप है। पहला तो ये कि खांसी की समस्या जब भी अगर टेम्परेचर वेरिएशन रहता है, जैसे कि अभी ऐसा समय है जब आपका ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत गर्मी है, लोग अभी भी कई जगह पर एसी और पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर तुरंत गर्म ठंडा होता है, तो टेम्परेचर वेरिएशन के कारण ऐसे लोगों को जिनको पहले से ही श्वास संबंधी बीमारी है जैसे कि एस्थमा है, COPD है, उन लोगों को मुख्य रूप से इसमें सजग रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को इससे परेशानी बढ़ जाती है, एस्थमा का अटैक भी आ सकता है। और इससे भी ज़्यादा क्या है कि अभी इस मौसम में आपका वायरल इन्फेक्शन का भी बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। तो जिस तरीके से कोविड के बारे में सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, सभी लोग उससे गुजर चुके हैं, तो कोविड के तरह ही कोविड भी एक तरह का वायरस था जो कि ड्रॉपलेट के थ्रू फैलता था। तो जब भी हम खांसते थे या छींकते थे, और अगर कोई भी कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन रहता था, तो उसके जो भी श्वास के द्वारा या फिर खखार के द्वारा उसका संक्रमण फैलता था। तो ठीक उसी तरीके से इन्फ्लुएंजा वायरस भी जो है, जो कि हर साल इस मौसम में और ठंड की शुरुआत होने के पहले आता है, और उसका संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो जितने भी बच्चे जो कि स्कूल जा रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या कहीं भी लोग जो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह रहे हैं, ऐसे किसी भी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर पहले से सर्दी खांसी वाले लोग हैं, संक्रमित लोग हैं, तो उन लोगों से इस बीमारी का फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। विशेषकर जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं, या फिर ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोई भी बीमारी है, क्रोनिक इलनेस है, जैसे कि किडनी की समस्या है, हार्ट की समस्या है, फेफड़े की समस्या है, तो उन लोगों को इससे ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल।
तो ये जो है इसके कुछ प्रारंभिक लक्षण पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि ये जो सर्दी खांसी और बुखार की समस्या है ये तो बहुत ज्यादा कई सारी बीमारियों के प्रारंभिक लक्षण में हो सकते हैं, तो ये समझना भी बहुत मुश्किल होता है कि ये कारण एग्जैक्टली क्या कारण है। तो किस तरह के लक्षण दिखाई दें कि हम शक कर सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा हो सकता है और हम डॉक्टर के पास तुरंत जाएं या कब जाएं? कई बार लोग वेट भी करते हैं कि एक दिन दो दिन तीन दिन देख लेते हैं, तो क्या आप सलाह देंगे? देखिए, मुख्य रूप से जो इन्फ्लुएंजा के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो नाक से पानी गिरना, बुखार आना, बदन में दर्द होना, सर दर्द होना, खांसी होना, गले में खराश होना, इत्यादि जो कॉमन फ्लू के लक्षण होते हैं ऐसे ही होते हैं। मेजॉरिटी लोगों को इसमें आपका एंटीबायोटिक लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। तो कई लोग क्या करते हैं कि दवा दुकान में जाते हैं और ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक ले लेते हैं। एंटीबायोटिक ऐसे स्थिति में नहीं लेना चाहिए, बिना डॉक्टरी सलाह के तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका अपना भी साइड इफ़ेक्ट होता है। और अगर ऐसा होता है कि तीन दिन चार दिन से ज़्यादा तेज बुखार हो रहा होता है या सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही हो, आजकल हर घर में कोविड के समय से पल्स ऑक्सीमीटर रहता ही है, तो पल्स ऑक्सीमीटर में अगर आप देखते हैं और ऑक्सीजन अगर आपका कम हो रहा हो, 90% से कम हो रहा हो, या चलने फिरने में सांस की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो वैसे स्थिति में बिल्कुल ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वो जाँच कर पाएँ, खून जाँच कर पाएँ, एक्सरे कर पाएँ कि कहीं निमोनिया तो डेवलप नहीं हो रहा है। और आजकल ऐसा कई बार हो रहा है कि जो पेशेंट जो कि पहले से बीमार हैं, किसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर हैं, जिन्हें कोई पहले से बीमारी है, हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, उन्हें ये खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर घर में किसी को भी सर्दी खांसी बुखार हो तो उन्हें सबसे पहले अपने आप को ऐसे बुजुर्ग लोगों से और जो बाकी लोग हैं जो कि हाई रिस्क पर हैं, उनसे अपने आप को दूर कर लेना चाहिए, अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, ताकि उन लोगों को ये बीमारी नहीं फैले। और आपने ये कहा कि जैसे दो तीन दिन मतलब खुद से जो दवा ले लेते हैं वो ना लेकर दो तीन दिन घर में भी प्रिकॉशनली हम रह सकते हैं, मतलब ये ऐसी समस्या है अपने आप भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर तीन से चार से ज़्यादा अगर दिन बुखार हो गए तो फिर जाना चाहिए। तो इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अब शुरू के तीन दिन अगर फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, तो क्या करें? तो घरेलू उपचार भी जो होता है, जैसे कि मधु बेस्ड जितने भी सिरप होते हैं वो सब भी आप ले सकते हैं, उससे कोई काढ़ा आप पी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरीके से अगर बुखार आता है, बदन दर्द होता है, तो आप ओवर द काउंटर ड्रग जो कि पैरासीटामोल ये सब है, वो सब भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। और अगर तीन दिन से ज़्यादा होती है तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जहाँ तक जाँच की बात बची है, तो उसमें नॉर्मली हम लोग जाँच कराते हैं, जैसे कि एक्सरे, ये देखने के लिए कि कहीं निमोनिया तो डेवलप नहीं हो रहा है, एक्सरे भी कराते हैं। हाँ, जिस तरीके से कोविड के लिए आरटीपीसीआर होता था, वैसे ही इन्फ्लुएंजा के लिए भी होता है, और सीवियर केसेस में या हाई रिस्क केसेस में हम लोग थ्रोट स्वैप के द्वारा आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं इन्फ्लुएंजा ए बी H1N1 S3N2। तो H1N1 स्वाइन फ्लू को हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए भी ये टेस्ट होता है। तो विशेष परिस्थिति में जहाँ पर लगता है कि पेशेंट सीरियस है या खतरा ज़्यादा है, तो उसमें जानने के लिए हम लोग उनके भी टेस्ट करते हैं। और टेस्ट होने के बाद अगर सही समय पे लोग पहुंचते हैं और टेस्ट हो जाता है, सही दवाइयां पड़ जाती हैं, तो ये बिल्कुल ये देखिए कोविड जैसा खतरनाक बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ऐसे पेशेंट जिन्हें भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है, निमोनिया डेवलप हो जाता है, उनकी संख्या बहुत ही कम है, जान का खतरा भी कम होता है। बट हाँ, ऐसा जरूर है कि जो लोग पहले से जिन्हें कोई बीमारी है, जिन्हें पहले से सांस संबंधी कोई रोग है, उन्हें ये अगर हो जाए और निमोनिया हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहला कोई भी बीमारी में, जैसा हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो पहले तो हमें बचाव पे ध्यान देना चाहिए कि जब भी अगर इस तरह की बीमारी किसी को हो तो उसे खुद ब खुद अपने आप को बाकी लोगों से दूर कर लेना चाहिए, क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए। जितनी सारी भी प्रिकॉशंस हम लोग कोविड के समय लेते थे, वो सारी प्रिकॉशंस हम लोगों ने सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो हाथ धोने की बात हो, मास्क लगाने की बात हो, खुद को सबसे अलग करने की बात हो, ये बहुत कुछ कोरोना ने हम सबको सिखाया है। और ये सब जो चीज़ें हैं वो हर संक्रमण वाली बीमारियों में अगर हम इसका पालन करेंगे तो ये संक्रमण जो है वो बिल्कुल नहीं फैलेगा और ज़्यादातर लोगों को ये नहीं होगा। तो ये अगर सही समय पर इलाज मिल जाए तो ये बिल्कुल ठीक हो जाने वाली समस्या है, लेकिन अगर सही समय पर इलाज ना हो तो ये बाद में जानलेवा भी हो सकता है, या फिर ये फेफड़ों में भी जैसे कुछ इसका असर पड़ सकता है। फेफड़ों में पड़ सकता है, अभी भी कुछ पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती हैं जिन्हें इन्फ्लुएंजा जो नॉर्मल कॉमन फ्लू होता है उसके द्वारा वैक्सीन हुआ। इसमें यह भी जानना जरूरी है कि इन्फ्लुएंजा का भी अलग अलग सब टाइप होता है, जैसे कोविड में भी होता था कि आपका ओमिक्रॉन होता था जो कि कम खतरनाक था, तो इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, इन्फ्लुएंजा ए बी।
तो उसमें से एक सब टाइप होता है जिसे हम लोग H1N1 या S3N2 बोलते हैं। तो H1N1 स्वाइन फ्लू का ही एक नाम है। तो स्वाइन फ्लू ज़्यादा खतरनाक होता है, S3N2 उसका भी सब टाइप है जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो उससे संक्रमण होने पर निमोनिया का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जी, जी। और वैसे केस में अगर निमोनिया डेवलप होता है तो ऑक्सीजन कम होना और वैसे स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता पड़ जाती है। यहाँ ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे प्रिवेंशन की हम लोग बात किए तो जिस तरह से कोविड का वैक्सीन आता है उस तरीके से इसका भी इन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन आता है। अच्छा। जो कि बहुत ही सेफ है क्योंकि और ये अवेलेबल है सर हर जगह हर जगह अवेलेबल है। जैसे कोविड के वैक्सीन में बहुत सारी परेशानी भी थी कि बहुत ही कम समय में डेवलप हुआ था उसको लेकर के बहुत ही भ्रामक स्थिति अभी भी बनी हुई है। बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, तरह तरह के न्यूज़ आते रहते हैं तो लोग थोड़े से डरे हुए भी रहते हैं कोविड वैक्सीन को लेकर के। बट अगर हम लोग इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये काफ़ी पुरानी वैक्सीन है, सालों साल से मतलब लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप पेडियाट्रिशियन के पास लोग अपने बच्चों को ले जाते हैं वैक्सीन दिलाने के लिए, जितना भी पोलियो का वैक्सीन होता है, MMR होता है, BCG होता है, तो आज के डेट में देखिएगा तो सारे पेडियाट्रिशियन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी देते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 18 से 55 साल के लोग, ऐसे लोग जिन्हें कि पहले से कोई बीमारी है, कैंसर है या फिर क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस हो रहा है, COPD है, एस्थमा है या फिर गठिया, ये सब है जिसके लिए वो लंबे समय से कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का प्रयोग कर रहे हैं, वैसे सारे लोगों के लिए ये इंडिकेटेड है। और जो भी लोग 55 साल के ऊपर हैं उन सारे लोगों के लिए तो वैसे भी इंडिकेटेड है। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन हर जगह ईजिली अवेलेबल रहता है। कोविड के वैक्सीन में एक प्रॉब्लम ये था कि वो सेलेक्टेड जगह पर अवेलेबल रहता था, मार्केट में हर जगह अवेलेबल नहीं रहता था। इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन में ये हर जगह अवेलेबल रहता है। प्लस इसमें क्या है कि ये हर साल रिलीज़ होता है, तो हर साल WHO पहले से ही एक एडवाइजरी जारी करती है कि इस साल कौन से स्ट्रेन्स का सबसे ज़्यादा रिस्क है जिससे फ्लू फैलेगा, तो वो कंपनियां जो हैं उसी स्ट्रेन्स की स्पेसिफिक वैक्सीन बनाती हैं। तो हर साल अलग अलग होता है सर, तो क्या मतलब हर साल वैक्सीन बिल्कुल लेने की वैक्सीन पड़ती है? आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया कि वैक्सीन हर साल लेना रहता है। हम लोग भी एज ए डॉक्टर्स के लिए स्पेशल सिचुएशन है क्योंकि जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर रहते हैं वो हर दिन कई ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिन्हें इन्फ्लुएंजा रहता है। तो हम लोगों के लिए भी ये इंडिकेटेड है, नर्सिंग स्टाफ के लिए भी, तो मैंने खुद भी लिया है। मेरे घर में मेरे मदर फादर या बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी मैंने दिलाया है। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि जो चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ वो चीज़ हम लोग अपने ऊपर भी लेते हैं और वो बिल्कुल ही सेफ है। मैं काफ़ी समय से ले रहा हूँ, हर साल ही मैं लेता हूँ ताकि, और इससे मैंने ये भी देखा है कि पहले जब मैं नहीं लेता था वैक्सीन तो उस समय साल में ऐसा एक दो मौका जरूर आता था जब मुझे सर्दी खांसी होती थी और मैं 4-5 दिनों के लिए परेशान हो जाता था कि सर्दी खांसी के लिए काम भी करने में ठीक से नहीं बन रहा है, एक दो दिन हो सकता था, काम से छुट्टी भी लेनी पड़ती थी, बुखार आता था। ये हम सारे लोगों के लिए कॉमन है। बट वैक्सीन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा, बट उसमें आपको इतना तो जरूर है कि उससे आपको तेज बुखार या किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है। तो एक तरह से बचाव बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और बहुत ही सेफ है, कोई बहुत कॉस्टली और बहुत जल्दी हम इसके संक्रमण में नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा क्या है कि अगर घर में आपके बुजुर्ग लोग रहते हैं या अन्य लोग रहते हैं तो अगर कोई भी एक लोग अगर वैक्सीन लिया हुआ है तो उससे चेन ब्रेक हो जाता है। तो अगर घर में आप घर के अंदर बाहर कर रहे हैं, आपको वैक्सीन अगर पड़ा हुआ है या बुजुर्ग लोग के संपर्क में आ रहे हैं तो एटलीस्ट उनको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे मामलों में भी अगर ये हर साल चूंकि ये वैक्सीन आता है, और ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है जबकि ये काफ़ी पहले से ये वैक्सीन बिल्कुल, है बिल्कुल। और हर जगह ये मिलती है वैक्सीन, तो हर उम्र के लोग जैसे 55 साल तक आपने बताया है ले सकते हैं लोग। 55 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों में तो 100% इंडिकेटेड है, उन लोगों को लेना ही लेना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो 18 साल से 55 साल के बीच में ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज है या फिर कोई भी क्रोनिक कंडीशन है उन लोगों को लेना चाहिए। बिल्कुल। जिनको मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम है उन्हें लेना और जल्दी जल्दी ये खांसी सर्दी बुखार होने का चांसेस रहता है तो उनको तो जरूर लेना चाहिए। और अभी क्योंकि हम इस मामले में जागरूक भी कर रहे हैं लोगों को कि भाई इस तरह की समस्या ना हो तो जो इसके जो वैक्सीन है तो उसको हम क्यों नहीं लें, उनको जरूर लेना चाहिए। तो ये अगर इसका असर फेफड़ों पर पड़ता है तो फिर वो घातक होता है या फिर वो भी ठीक होता है? चूंकि आप छाती रोग विशेषज्ञ हैं इसलिए ये सवाल मैं उससे रिलेट कर रही हूँ। नहीं नहीं देखिए जब भी जैसे आपने कहा कि दमा के जो मरीज हैं या इस तरह के मरीज हैं उनको अगर इस तरह की चपेट में ले लेते हैं ऐसे कोई भी लोग जो कि मतलब छाती के किसी भी क्रोनिक इलनेस से
अगर ग्रसित है, जैसे कि COPD हो गया, एस्थमा हो गया, इंटरस्टीसियल लंग डिजीज़ हो गया, जो कि लंग फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को तो 100% वैक्सीन लेना चाहिए। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपका एस्थमा जो है वो अगर आप रेगुलर मेडिकेशन ले रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, तो पूरी तरह से वो कंट्रोल रहता है। लेकिन जैसे भी अगर एक बार भी अगर किसी को किसी भी तरीके का संक्रमण हुआ, चाहे वो वायरल हो या फिर बैक्टीरियल हो, तो उनकी क्षमता, फेफड़े की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए इन सारे लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और अटैक आने का खतरा कम हो जाता है। तो हम लोग जैसे भी लोग रहते हैं जिन्हें एस्थमा रहता है, तो उन्हें ये हम सलाह देते हैं कि आप इन्हेलर ये सब जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसे तो करते ही रहिए, बट वैक्सीन ज़रूर ले लिया करें हर साल। इसी तरीके से जिस तरह से इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी आती है। अच्छा। तो वो भी स्पेशल न्यूमोकोकल वैक्सीन भी किसके लिए? न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोकोकल डिजीज़ के लिए है। अच्छा। तो जो हमें नॉर्मल आप कई बार सुनते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें निमोनिया हो गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ गया, तो निमोनिया जो होता है वो कई प्रकार से होता है। मतलब वायरल निमोनिया भी होता है, जैसे कोविड निमोनिया हो गया, इन्फ्लुएंजा के कारण जो निमोनिया हो गया उसे हम वायरल निमोनिया बोलते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है जिसके लिए एंटीबायोटिक होता है। फंगल निमोनिया भी होता है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा कम है, HIV है या कैंसर है, उन लोगों में होने का खतरा रहता है। बट अगर आप मेजॉरिटी, अगर जब भी हम निमोनिया की बात करते हैं तो बैक्टीरियल निमोनिया ख्याल में आता है, जिसके लिए पता चलता है कि अस्पताल में भर्ती हैं, एंटीबायोटिक लेना पड़ रहा है। तो उन जितने भी निमोनिया होते हैं उनमें सबसे जो कॉमनेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है और जो कि सीरियस फॉर्म ऑफ निमोनिया कॉज करता है, वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है। तो उसके लिए भी वैक्सीन आता है। अच्छा। तो ऐसे कोई भी लोग जो कि 55 साल से ऊपर है या 60 साल से ऊपर है, उन लोगों में भी निमोकोकल वैक्सीन इंडिकेटेड है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ या फिर हार्ट की कोई कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, कोई वाल्व लगा हुआ है, एस्थमा है, COPD है, तो उन लोगों में भी न्यूमोकोकल वैक्सीन भी इंडिकेटेड है। अच्छा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यूमोकोकल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है, ये सारी वैक्सीन जो है काफ़ी पुरानी है, 25-30 साल से दुनिया में यूज़ हो रहा है, काफ़ी ट्रायल्स इस पर हो चुका है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये प्रूव किया गया है कि इससे बीमारी से बचाव होता है। तो हमें वैक्सीन के प्रति एक तो जागरूक रहना चाहिए, प्लस जो भी अपने हमारे आसपास जो भी लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं या जो कि ऐसे लोग हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, एटलीस्ट उन्हें ज़रूर इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वो डॉक्टर से मिले और वैक्सीन के बारे में पूछें। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो प्रिवेंशन होगा। लेकिन अगर हम अगर सिंपल तौर पे जाएंगे तो इस मौसम में जब ज़्यादातर इस तरह की समस्या हो रही है, तो बच्चों के लिए या बुज़ुर्गों के लिए जिनमें ज़्यादा ये संभावना होती है, उसके लिए आप रहन सहन की बात करते हैं या खान पान की बात करते हैं, आहार व्यवहार की बात करते हैं, दिनचर्या की बात करते हैं, तो क्या आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को ताकि इससे बचे रहें? सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी हम प्रिवेंशन की बात करते हैं तो एक फार्माकोलॉजिकल मेज़र आता है। जैसे फार्माकोलॉजिकल मेज़र का मतलब है कि हम दवा से प्रिवेंट करते हैं, तो उसके लिए ऑफकोर्स वैक्सीन हो गया। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मेज़र में जैसा कि आपने बताया कि रहन सहन, तो रहन सहन खान पान बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। तो हेल्दी डाइट में अभी के समय में कई बार पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं, स्पेशली महिलाएं आती हैं जो कि बोलती हैं कि सावन का समय चल रहा है और हम लोग व्रत रखे हुए हैं। तो व्रत रखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूजा पाठ में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन को भी शांति मिलती है, सब कुछ होता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर बहुत समय तक अगर आप खाली पेट रहते हैं तो उस समय इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो आपको सजग रहना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है। कई लोग ऐसे आते हैं जो कि बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो हम लोग सुबह का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, वो स्किप कर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी भूल है। देखिए क्या होता है कि रात को जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके बाद अगर आप सुबह लेट करते हैं नाश्ता करने में, तो करीब 12-14 घंटे का गैप आ जाता है। तो 12-14 घंटे के गैप के कारण आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उस समय इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसा कोई भी लोग या फिर बच्चे जो कि सुबह का नाश्ता स्किप करते हैं, या कोई भी महिलाएं या फिर पुरुष जो कि अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं और फिर ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं करके चले जाते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सुबह का नाश्ता बिल्कुल भी मिस नहीं करें, हेल्दी डाइट लें। ऐसे समय में विटामिन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम लोगों की इम्यूनिटी बनी हुई रहे। तो विटामिन्स के लिए कभी भी विटामिन्स की गोली खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं। स्पेशली कहा जाता है कि दिन में कम से कम 4 से 5 तरह के फल का सेवन जरूर करें, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब भी जितना भी ज़्यादा अगर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, फ्रूट्स जो है मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और सीजनल फ्रूट्स जो है उन्हें खाएं, तो स्वाद का भी मज़ा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जितने भी फ्रूट्स है वो सब खाना चाहिए। जूसेस अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स अगर आप खाते हैं तो उसमें आपका
पल्प के साथ आपका फाइबर भी जाता है, तो उससे पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, शुगर भी रिलीज उससे नहीं होता है, तो उससे भी फ़ायदा होता है। तो शुगर के पेशेंट्स भी रहें, अगर वो जूस पीते हैं तो उससे ज़्यादा हानि है, लेकिन अगर फ्रूट खाते हैं, होल फ्रूट खाते हैं, तो उसमें कम खतरा रहता है। तो फ्रूट्स बिल्कुल खाना चाहिए, हरी सब्जियाँ खानी चाहिए, इस मौसम में रोड पर ठेले पर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जहाँ तक बात हुई और बचाव की, तो अगर किसी को भी सर्दी खांसी डेवलप होता है तो उन्हें क्वारंटाइन करना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि मास्क पहनिए हर दिन। जब भी आप कहीं काम कर करके आते हैं, तो चूंकि ये एक तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ है, छुआछूत की बीमारी है, तो हाथ धोने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप हाथ धोते हैं, सफाई रखते हैं, तो इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, अगर इनका हम पालन करेंगे तो इस मौसम का मज़ा ही मज़ा है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि कई तरह के पॉइंट्स पर आपने प्रकाश डाला था, जैसे मच्छरों से संबंधित जो परेशानियाँ होती हैं वो भी होती हैं, टेम्परेचर डिफरेंस की हमने बात की है, और भी कई रीजंस हैं जिसके चलते लोग आते होंगे आपके पास में, तो अब किस पर आप जाना चाहेंगे सर? देखिए, मच्छरों की प्रॉब्लम तो खैर विकट है, उसमें पिछले साल भी डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला था और इस साल भी कुछ केसेस आ रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि गर्मियों का समय था, सभी लोग एसी कूलर इत्यादि का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कूलर के इस्तेमाल में कई बार क्या होता है कि गर्मी तो बीत गई, बरसात आ गया, लेकिन कूलर में जो पानी का जमाव है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि बरसात के समय में मच्छर पनपने का खतरा रहता है, तो अपने जितने भी कूलर ये सब जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जितने भी पानी है उसे ड्रेन कर लें, उसे सुखा दें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के अगल बगल पानी का जमाव होने के कारण भी उसमें भी मच्छर फैलने का डर रहता है, तो उसमें भी ध्यान दें। अगर कहीं पर आपको लगता है कि पानी का जमाव हो रहा है, तो फिर आप उसमें म्युनिसिपैलिटी को भी आप खबर कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे छिड़काव हो पाए, साफ़ सफाई हो पाए। घर के अंदर जब भी आप सोएं, तो उस समय मच्छरदानी का प्रयोग करें, या फिर एटलीस्ट गुड नाइट ऑल आउट ये सब का प्रयोग करें, ताकि मच्छर नहीं फैले। अगर बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है, तो डॉक्टर के पास जा कर के ज़रूर जाँच कराएँ। मलेरिया हो गया, टाइफॉइड हो गया, या फिर डेंगू हो गया, इसका जांच हर जगह फ्रीली अवेलेबल है, उसे कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके भी सिम्टम्स कई बार डॉक्टर साहब जैसे बुखार और सर्दी खांसी की बात करते हैं, इसके भी लक्षण कहीं ना कहीं मोर ऑर लेस कहीं सिमिलर होते हैं। कई बार ऐसा क्या होता है कि लोग मेरे पास आते हैं जिन्हें सर्दी खांसी हुआ हुआ रहता है, साथ में बुखार आ रहा है, तो वो पहले से ही मलेरिया टाइफॉइड और डेंगू की जाँच करा करके आते हैं। तो मलेरिया और डेंगू का डर इस तरह से समाज में बना हुआ है कि वो लोग पहले ही जाँच करा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामान्य तौर पर अगर किसी को डेंगू या मलेरिया होता है तो उन्हें सर्दी खांसी नहीं होती है, या टाइफॉइड होता है तो सर्दी खांसी नहीं होती है, उसके लक्षण कुछ और हैं। तो जहाँ तक टाइफॉइड की बात है, तो वहाँ पे पेट खराब होना, कमजोरी होना, डिहाइड्रेशन होना, उल्टी होना, बुखार आना, बदन दर्द करना, ये सब पानी की वजह से होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्रोत है। कई बार क्या होता है कि अगर आप ठेले पे जाके खा रहे हैं या कहीं पर भी जाकर के खा रहे हैं, और उसमें अगर पानी का स्रोत अगर सही नहीं है जहाँ से पानी लिया गया है, या फिर अगर उसे ठीक से स्टोर करके नहीं रखा गया है, तो उसमें फैलने का खतरा रहता है। उसी तरीके से मलेरिया और डेंगू में भी क्या है कि बहुत तेज़ बुखार आना, बदन दर्द करना, उल्टी होना, डिहाइड्रेशन होना, सर दर्द होना इत्यादि उसके लक्षण है। जी जी, तो अगर ऐसा किसी को भी हो रहा है तो सजग हो जाना है, ध्यान देना है, डॉक्टर से मिलना है, जाँच करवाना है, और जांच करवाने के बाद उपयुक्त इलाज पॉसिबल। और सही समय पे अगर सही इलाज शुरू हो जाए तो इस तरह की कोई भी परेशानी जो है वो बिल्कुल बिल्कुल थम जाती है, कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा नहीं रहता है। बिल्कुल, इस मौसम में जैसे फेफड़े से संबंधित तो कई सारे पेशेंट्स होते हैं पहले से भी, तो उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए उनके लिए? अलग तरह के जो परेशानियां, कई तरह की परेशानियां हैं, उतना तो समय नहीं है कि एक ही कार्यक्रम में मैं सारे सब्जेक्ट नहीं। देखिए, मुख्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो फेफड़े से संबंधित समस्या में सबसे कॉमन जो है वो एस्थमा है, एलर्जी की समस्या है। तो एलर्जी भी जिन्हें होता है उन्हें भी इस मौसम में प्रॉब्लम होता है, मौसम के बदलाव के कारण, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण प्रॉब्लम होता है। तो उन सारे लोगों को मैं यही सलाह देता हूं कि चूंकि ऑलरेडी मौसम बिगड़ा हुआ है, तो इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें, बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब का सेवन नहीं करें, सजग रहें, बार बार टेम्परेचर वेरिएशन से बचें, तो रूम से अंदर बाहर होने से बचें, पॉल्यूशन का विशेष ख्याल रखें, पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं जाएं, क्योंकि कई बार जिन्हें एस्थमा होता है उन्हें धूल धुआं ये सब से भी अटैक आने का खतरा रहता है, तो उन चीज़ों से बचें। बिल्कुल,
मतलब खास करके जो अस्थमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की साथ में एक और है कि अस्थमा से जितने भी पीड़ित लोग रहते हैं उन्हें जब भी वो सिम्टम फ्री हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो इनहेलर का इस्तेमाल या दवा का इस्तेमाल छोड़ देते हैं, तो ये ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में अगर कभी भी कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ तो बीमारी बिगड़ने का खतरा रहता है। तो डॉक्टर के सलाह के बिना अपने मेडिसिन बंद नहीं करें, मेडिसिन हमेशा लेते रहें सही समय पर और किसी भी प्रॉब्लम की स्थिति में डॉक्टर से मिलें। दमा के अलावा भी कई बार इस तरह के मौसम में जो चेंज ऑफ टेम्परेचर्स होते हैं तो नाक बंद होने की भी समस्या बहुत लोगों से हम सुनते हैं सर, इसका भी कुछ खास कारण होता है या फिर जैसे बहुत सारे ड्रॉप्स वगैरह लोग डालते हैं वो सही है नहीं? देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या तो बढ़ ही जाती है, तो जिन्हें पहले से एलर्जी की समस्या, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बरसात के समय में कई तरह के जो फूल पौधे ये सब हैं, वीड्स हैं, वो सब भी रोड के अगल बगल काफ़ी रहते हैं, तो इसी में से कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके परागकण से एलर्जी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जब भी लोग कोई अगर घूम रहे हैं, खुले मैदान में घूम रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, खलिहान में जा रहे हैं, गांव में कहीं भी अगर इस तरह से घूम रहे हैं तो उसमें मॉइस्ट एनवायरमेंट में आपका पॉलन के कारण, फंगस के कारण एलर्जी होने की खतरा रहती है। तो एलर्जी होने के कारण भी नाक से पानी गिरना, छींके आना, नाक बंद होना ये सब होता है। इसमें कई सारे पेशेंट आते हैं जो कि करंज का तेल या फिर किसी भी प्रकार का नारियल तेल ये सब गर्म कर कर करके उसको नाक में डालते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसके अपने साइड इफेक्ट हैं। तो आपका ओवर द काउंटर कुछ कुछ नेजल डीकंजेस्टेंट जैसे ऑट्रिविन ये सब अवेलेबल है जो कि आप इजीली ले करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेट्रिजन है जो कि ओवर द काउंटर ड्रग है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर ज्यादा परेशानी होती है तो फिर डॉक्टर से मिलना चाहिए। और फिर भी हम तो बार बार कहते हैं कि किसी भी दवा या ड्रॉप या कुछ भी है एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लें, उसके बाद यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। सर अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि आपसे और सवाल करें, बहुत सारी बातें आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि इस मौसम में किस तरह से हम रहें, अपने दिनचर्या कैसी रखें, रहन सहन खान पान कैसा हो हमारा ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ बने रहें, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।